लेकिन ये सामान फौरन से कैसे बिकेगा? देखो मैं और किसी भी तरह पैसे जमा नहीं कर सकती थी, उस सामान की अच्छी कीमत मिल जाएगी, प्लीज तू मैनेज कर लेना। आपी, आपी। क्या हुआ तुम्हें? खड़ी उठो। मेरा अनछुआ डब्बा पैक सामान जो मैंने 6-8 महीने इस्तेमाल भी नहीं किया था, वो सब उन्होंने अपने पास रख लिया और अपना इस्तेमाल शुदा सामान उन्होंने हमारे पास भिजवा दिया। आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? मैं उस कंपनी से आपकी बात करवाता हूँ जिसके थ्रू मैंने सामान भिजवाया था। सामान की हालत तो ठीक लग रही थी मुझे, इतनी भी बुरी तो नहीं थी। ठीक से तो नहीं देखा मगर जो नजर आ रहा था मुझे तो ठीक ही लग रहा था। क्या साबित करना चाह रही हो तुम कि मैं गलत हूं और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब सही हो रहा है? लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का नहीं सकती। सजल, आपको आप ही से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उन्होंने की वो? यार उनके हालात को समझें, सिचुएशन को समझें। समझती हूँ मैं उनकी सिचुएशन को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दूसरों के दिल आजारी करें। वो भी उनकी जो मोहब्बत करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं, मुझे लगता है कि उनको मेरी मोहब्बत और हमदर्दी पर शक है। सचल, सचल ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रही हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आप कहते ना उन सबके सामने कि सजल गलत नहीं कह रही है, मगर आपने तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया ना, खामोशी से सुनते रहे सब। इसका तो यही मतलब है ना कि आपको भी लगता है कि मैं सही नहीं हूं। नहीं, सचल करते हो समीर, 2 दिन से ज्यादा हो गया सामान भेजे हुए, तुम तो कोई मुझे अपडेट ही नहीं दे रहे हो। मुसलसल तुम्हें कॉल करे जा रही हूं मैं। परीन सांस तो ले लो यार, मैं खुद तुमसे फुर्सत से बात करने के लिए तड़प रहा था। तुम्हें कोई अंदाजा भी है यहां मैं कितनी परेशानी में फंस गई हूं? अब क्या हुआ? सब इस चीज का डर है कि कहीं उस ड्राइवर से राब्ता ना हो जाए। फरीन, तुम्हारे मसले कभी खत्म नहीं, एक काम था उसमें भी भंड। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो? सुना नहीं रहा मैं भी तो फंसा हुआ था ना, सामान भी तो बेचना था मार्केट में। हाँ, सामान का तो बताओ, कितने पैसे मिले सामान के? तकरीबन 14-15 लाख तो मिले होंगे ना? क्या मिली ना जाए उस सामान के? क्या मतलब है? नया डब्बा पैक सामान था सारा। जिस तरह मैंने उस सामान को बेचा है ना, मेरा खुदा जानता है। अरे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी चोर से खरीदा या फिर खुद चोरी किया। पौने पौने भी कोई नहीं ले रहा था। क्या? वो तो 1-2 लोग थे एतबार के मार्केट में, उनको बिठाया तब जाके किसी मुनासिब पैसों में बिका वो सामान। कितने पैसे मिले? अरे जितने भी मिले, काम तो फिर भी मेरा नहीं हुआ। अल्लाह, समीर मेरा ना दिल बंद हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम बताओ तो कितने पैसे मिले हैं? 7 लाख मिले। क्या? मैं मान ही नहीं सकती। देखो फरीन, एक एक चीज की रसीद है मेरे पास, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुम चेक करो। मैं
लेकिन यकीन करो यार, पूरी दुनिया को धोखा दे सकता, तुम्हें देने का सोच भी नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा कुछ भी हो ना तो वो हराम है मुझ पर। नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम पे पूरा यकीन है। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते समीर, क्या हो गया है तुम्हें? वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे दिल एक दूसरे के लिए कितने साफ हैं। पर हाँ, वो उस ड्राइवर की तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगा। अभी तो तुम्हारी अम्मी को याद नहीं आया जूली वाली बात? अगर उन्हें याद आ गई ना, सबसे पहले तुम्हारी और मेरी बेइज्जती करेंगे। मुझे डर है कहीं मोहित की सालगिरह पे वो निहंगा ना कर दे। ठीक कह रहे हैं सुफियान भाई, मुझे ऐसा कुछ भी होने से पहले भाभी का जेवर उन्हें लौटा देना चाहिए। तो सजल ने जैसे ही बताया कि आपकी तबीयत खराब है, मैंने खुद से मना कर दिया कि हमारी तरफ ना आए बल्कि यहाँ रुककर आपकी खिदमत करे। सास भी तो माँ की तरह ही होती है ना। ये बातें तो पुराने लोगों की थी, आजकल की लड़कियां कहाँ समझती इन बातों को। मेरी बेटी को ही देख लीजिए, नाजों से पली है मेरी बेटी, सादतमंद, फरमा बरदार। शादी के बाद एक दिन नहीं आके रुकी महके में, हर वक्त सास की खिदमत में लगी रहती थी। और उन खिदमतों का नतीजा क्या मिला? उल्टा, सास ने बेटे के कान भर के मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, खुदा उनके साथ भला नहीं करता। उन्हें उनकी ज्यादती की सजा जरूर मिलेगी। क्या बात कर रही है, हम तो अभी तक भुगत रहे। तलाक दी सो दी, मेरी बेटी का लाखों का जहेज भी हड़प कर गए। अरे खुदाया, कैसा जुल्म है ये तो। अम्मी आप छोड़े ना ये बातें, मुश्किल से आपकी तबीयत ठीक हुई है, आप परेशान रहकर दोबारा अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। वैसे भी हम सबका इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन। सालिया बहन, खुदा आपको सुकून और सब्र अता फरमाए, अपने बच्चों के सरों पर सलामत रहे, खुशियां दे अल्लाह आपको। आमीन। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं सजल को आज अपने साथ ले जाऊं, वापस आ जाएगी कल। असल में इसका भाई इसे बहुत याद कर रहा है। क्यों नहीं आंटी, आप सजल को जरूर ले जाएं। मेरी परेशानी देखकर और अम्मी की तबीयत देखकर ये भी बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा है, इसका भी दिल बहल जाएगा, है ना अम्मी? नहीं अम्मी, अभी नहीं आ सकूंगी, अशर घर पर नहीं है। अरे सजल, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना घर पे, मैं अशर को बता दूंगी कि तुम अम्मी के साथ गई हो। अब देखो कितनी बुरी बात है, आंटी कितनी चाह से तुम्हें कह रही हैं लेकर जाने को, तुम्हें जाना चाहिए। और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं हूं यहाँ पे, सब देख लूंगी। मैं जाऊं? सजल, अम्मी तुम्हें कभी भी हाँ नहीं बोलेंगी, क्योंकि तुम उनकी इकलौती चहेती बहू जो हो। तुम इनकी परेशानी मत करो, मैं हूं यहाँ पे, इनका ख्याल रख लूंगी, तुम जाओ।
डन, भेज दी अपनी ईमानदारी की सारी रसीदें। एक पैसा जो ऊपर रखा हो आराम हो मुझ पर। एक बात तो बताओ, तुम तो कहते थे कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। हाँ, सच्ची मोहब्बत में फिर ये हेरा फेरी कहां से आ गई? देख दोस्त, मोहब्बत और जंग में ना सब कुछ जायज। मेरी बात सुन, कौन सा मैंने 12 लाख रुपए रख लिए, सिर्फ 5 लाख ही तो ऊपर रखे हैं, और वो भी अपने लिए नहीं, परी के लिए। शादी करनी है अब, क्या खाली हाथ उसे ब्याह कर लाऊंगा मैं? इतने खर्चे हैं यार, परी, जेवर, ये सब बन जाएगा उन पैसों से? कहीं बन ही ना जाए जेवर। कोई शक है तुझे? यकीन है मुझे, इन 5 लाख में से शादी होते तक तेरे पास 5,000 भी रह गए ना, तो 1 लाख बेटा मैं तुझे अपनी जेब से दूंगा। वो करेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। लगा शक? लगी। तू इतनी बड़ी कब से हो गई है कि मेरे घर के फैसले करने लगी है? क्या सोच के तूने संजल को इजाजत दी जाने की? वो तो खुद जाने को तैयार थी, आपके रोकने से रुक जाती क्या? देख फरी, मुझे पहले ही तुझ पे ना बड़ा गुस्सा है, मजीद जिच ना कर मुझे। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे बेटे और बहू के मामले में अपनी टांग अड़ाने की। ये जब आपकी लाडली बहू ना आपके बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएगी तो आप मेरे ही सर पर बैठ के रो रही होंगी। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए। अच्छा, आपको अभी भी ऐसा नहीं लगता? पासपोर्ट बन गए? हाँ, तो वो बात की बात है। तू मुझे इस बात का जवाब दे, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ अम्मी, आप देख नहीं रहे अशर कैसे सज्जल के हुसन के पीछे पागल हुआ चला जा रहा है? थोड़ी देर के लिए उसको नजर से दूर करना जरूरी था। मुझे रास्ते में भी नहीं बताया कि क्या खरीदना है, क्यों आए हम यहाँ पर। पता है आपको, मुझे तो डर ही लग रहा है कि कहीं आंटी अपना इरादा ही ना बदलने। इतने दिन से घर में इतनी सारी चीजें खत्म हो गई थी, हीरा तो हर वक्त बच्चों में और घर में लगी रहती है। तुम्हें पता है ना मैं खरीदारी अकेले नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ जाती थी हमेशा। अम्मी जी, इसीलिए तो कहती हूँ कि हमारे भाई की जल्द अज जल्द शादी करवा दे आप। ये तो तुम दोनों बहनों ने ही करना है ना, मैं अकेली तो नहीं कर सकती। अच्छा परेशान मैं तो, मैं आज हमारे भाई से बात करूंगी, फिर आप ही को भी बुलवा दूंगी। मम्मी क्या मुसीबत है, किचन में कुछ खाने को ही नहीं है, छुट्टी उट्टी है क्या खाने की? सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई आज। किसने कहा था नाश्ता ना करके जाओ? नाश्ता करने बैठ जाती ना तो मेरी क्लास मिस हो जाती। हो जाती मिस? क्या हो जाता, हमारे सर पे शोर तो नहीं मचा रही होती अभी? अम्मी आप सुन रही हैं आप ही की बातें? तुम दोनों मेरे सर पे क्यों लड़ रही हो? पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इतनी भूख लग रही है, आप ही को क्या मुझे कुछ खाने के लिए बना दे। क्यों, नौकरानी लगी हूँ मैं तुम्हारी, जो खाना बना के दूंगी? वो तुम्हारी चहेती भाभी का काम है खाना बनाना, क्यों नहीं बना के गई वो? और भेजो उसे, अब जा बना खाना। मैंने तो सिर्फ जाने को कहा था उसको, मुझे क्या पता था कि महारानी खाना भी बना के नहीं जाएंगी। जाओ अपना खाना खुद बनाओ, और अगर कुछ ऑर्डर कर रही हो तो मेरे लिए भी कर देना, भूख लग रही है मुझे। कैसे खुद को समझाऊं जो तेरे दिल तक पहुंचे, वो लफ्ज कहां से लाऊं? झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल।
सजल सजल हाँ चली गई। क्या हुआ भाई? सजल कहाँ है? भाई वो भाभी की अम्मी आई थी, उनको अपने घर ले गई हैं साथ। कह रही थी कि हम तो सज्जल का चेहरा देखने को तरस गए। और अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं अशर ने मना तो नहीं किया है कि सज्जल अपने घर ना जाए। ये सब उन्होंने कहा? तो मैंने कब मना किया सज्जल को घर जाने से? हाँ नहीं, वो ये क्यों कह रही थी, पता नहीं सज्जल वहां जाकर क्या सच झूठ करती है। नहीं परी, ऐसा कैसे हो सकता, वो सज्जल ऐसा नहीं बोल सकती। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अम्मी 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 क्या हुआ आपको? ठीक है आपकी? वो आज हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था ना, खाने के बाद अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि बाहर का खाना अम्मी को नहीं खाना है। अशर, तुम्हें पता तो है अम्मी से इतना काम नहीं होता है, और दिन का खाना हमारे यहाँ सज्जल ही बनाती है। अब जब तुम्हारी सास ने आके बातें सुनाई तो अम्मी ने कहा सज्जल को सबसे पहले उसके घर भेजो भाई। फिर जब अम्मी को भूख लगी, मैंने जाके किचन में देखा, कुछ खाने को बना हुआ ही नहीं था, सज्जल कुछ बना के ही नहीं गई। मैंने कहा चलो मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन फिर गैस भी नहीं आ रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। बेटा तुम परेशान मत हो, बाहर का खाना खाया है ना तो शायद तू बदहजमी हो गई है। सज्जल को मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैंने भी उससे यही कहा था कि एटलीस्ट अशर को तो बता दो, लेकिन वो उल्टा मुझे बोल के गई है कि आप अशर को बता दीजिएगा। मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती। आप गुस्सा नहीं करें भाई, भाभी बहुत अरसे बाद मेके गई हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है।
चाय कहाँ रह गई? नहीं आ गई, आ गई। सही है। अच्छा तो भाई फिर क्या सोचा है आपने शादी के बारे में? कभी लगा दिया इस काम पे आपने? अरे नहीं, मैंने क्या किया, ये तो बहनों की अपनी ख्वाहिश होती है ना। अच्छा बताएं तो। अभी तो मुझे जाना है, स्टोर से कॉल आई है, बहुत जरूरी माल है, उसको खुद जाके टेक ओवर करना है। उफ, वो दो मिनट तो रुक जाए ना, रात भी इतना लेट आए थे कि कोई बात भी नहीं हो सकी। इतने दिनों बाद आई थी मैं, अब चली जाऊंगी ना तो याद करेंगे। देख रही है, अभी तक इसकी आदत नहीं की बचपन की छोटी सी छोटी बात पे नाराज हो जाना। अच्छा बाबा आ जाऊंगा आज रात, प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आ जाऊंगा और हम ढेर सारी बातें करेंगे और तुम्हारी फेवरेट कुल्फी भी लाऊंगा। आज नहीं रुकने वाली मैं, मुझे ससुराल छोड़ा है मेरे। अरे तो तुम कल ही तो आई हो, आज तो रुक जाओ, सुबह में आ जाएगा अशर, ले जाएगा तुम्हें। नहीं अम्मी, रात से मेरी अशर से बात नहीं हुई है, दिल घबरा रहा है मेरा। मैं कर लेता हूँ बात, तुम रुक जाओ। नहीं भाई नहीं, आज नहीं रुक सकती, रास्ते में फिर हम बात करेंगे। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी है, जो मुझे फिरावा जी को बहुत पसंद है। बाकी सारी डिटेल ना रास्ते में देती हूँ, बैग लेकर आ। ये तो वाकई जाने पे तुल गई है। हाँ जब बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो तराई हो जाती है। ऐसे भी कोई नाराज होता है, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। भाई नीलम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अम्मी भी उनके खानदान से वाकिफ है। या फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, अगर आपको ठीक लगी तो हम लोग मामला आगे बढ़ा देंगे। यार तुम अजीब लोग हो कसम से, एकदम से कोई पुरानी बचपन की दोस्त निकाल ली है और उसके साथ एक मामूली सी मुलाकात की बुनियाद पर मेरा पूरा मुस्तकबिल जो है दांव पे लगाने को तैयार हो तुम लोग। अच्छा एक बार आप देखें, देखें तो जे इस बारे में बात ही नहीं करूं। आपको कोई और पसंद है भाई? अभी इधर भी यही बातें करोगे, घर जाके अम्मी से भी यही बातें करवाओगे, जिधर देखो मेरी शादी करवानी है। भाई इसके अलावा कोई मौजू नहीं है हमारे पास, कर लूंगा शादी, पीछे ही पड़ गए हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो, कैसे हो बेटे, कितनी छुट्टियां रह गई हैं तुम्हारी? बस यही महीना है, मंथ एंड पर इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो सालिया तुम्हारी बहू बेटे के साथ जाएगी ना? ये बात तो तुम इसी से पूछो। क्यों भाई, कहाँ है तुम्हारी बीवी, नजर नहीं आ रही? आंटी अपने पेरेंट्स के यहाँ गई हुई, बस आने ही वाली होंगी, बात हुई थी मेरी। बल्कि लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो मैं निकलता हूँ। रुके ना माद भाई, बैठिएगा अभी थोड़ी देर। अरे नहीं, वो दरअसल स्टोर पे बहुत काम, अगली बार ला सकूँ। थोड़ी देर तो बैठ जाओ बेटा। आंटी दरअसल वाकई बहुत मसरूफ हूँ, अगली बार आऊंगा ना अम्मी के साथ तो बैठूंगा।
इजाजत दें सर। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। आप ठीक हैं? जी मैं रूम से होकर आती हूँ। साले ये लड़का कौन था? सजल का भाई। कहीं बात वगैरह पक्की हुई है कि नहीं? इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी बेटियों की तो शादी हो गई है ना? अरे मैं तो अपनी फरहीम के लिए बात कर रही हूँ। बात करके देखो ना रिश्ते की, उसका घर बस जाएगा। हाँ लेकिन उनके बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई, वो तो कुंवारा है, और हमारी फरीन पे तो इतना बड़ा तलाक का धब्बा लगा। सच पूछो तो जब जब सोचती हूँ ना, दिल घबराने लगता है, रातों को नींद नहीं आती, यही बात सोच सोच के ना अंगारों पे सुलगती। इसीलिए तो कह रही हूँ कि देखो ना, अभी तो फरहीम इद्दत में है, उसकी इद्दत एक दो माह बाद तो खत्म होनी है ना, फिर भी तो सोचोगी, तो क्यों ना आज से ये बात सोच लो तुम। क्यों अशर बेटा, मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? अब देखो ना, उनकी बेटी भी तो तुम्हारे घर में कितनी खुश है, और घर की बात घर में ही रह जाएगी, और रहा फरहीन पे तलाक का धब्बा, उसको अगर हटाते हो तो लाखों में एक है हमारी फरहीन। और वैसे भी अशर बेटा बात करेगा ना अपने ससुराल वालों से, तो वो उसे कौन सा मना कर देंगे? खाला ये आप बड़ों के करने की बातें हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी फरहीन तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, पहले भी तो तुमने गैरों में उसका रिश्ता किया था, 4 दिन भी बच्ची का घर नहीं बस पाया। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी का खानदान तो देखा भाला है, और मैं नहीं समझती कि फरहीन को इस रिश्ते से कोई इतराज होगा। लेकिन वट्टा सट्टा कैसे ठीक रहेगा? इस वक्त तो तुम्हारे लिए यही बेहतरीन है। अब देखो सालिया, मुझे माफ करना, फरहीम का मिजाज जितना तेज है ना, मुश्किल ये उसके मियार पे कोई पूरा उतर सके। हाँ ठीक कह रही हो, अब तो फरहीम सज्जल से भी रुचने लगी है। सालिया मीठे बोल में ना जादू है जादू। वैसे भी तुम्हारी बहू अभी नहीं दुल्हन है, अगर तुम और अशर और फरहीम उसे शीशे में उतार लो ना, तो नामुमकिन काम ना चुटकियों में मुमकिन हो सकता है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, माँ बेटा मशवरा कर लो। भाई नीलम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अम्मी भी उनके खानदान से वाकिफ है, अगर आपको ठीक लगी तो हम लोग मामला आगे बढ़ा देंगे। सज्जल को तो मैंने टाल दिया, लेकिन अम्मी को टालना मुश्किल है। अम्मी भी तो गलत नहीं है, मैंने सज्जल की शादी के बाद अपनी शादी का वादा किया तो था, मगर अब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब वो बाहर से कुछ सामान आना था, वो आशू का है, प्लीज आके देखना है। घर पे रह गए तो रक्षे में बैठने से पहले सोचना चाहिए था ना बाजी। मुझे नहीं पता, आप मुझे फ्री करें, आगे जाके मुझे और सवारी भी उठानी है। भाई मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा वॉलेट घर पर रह गया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसा करो मुझे वापस घर लेके चलो, मैं वहाँ जाके किराया दे देती हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत मेरा वास्ता पड़ता है तुम जैसी धोखेबाज सवारियों से।
बात सुनना, लड़की देख रहे जो बहस कर रही है। यही तो कह रही हूँ, मुझे वापस लेके चलो ना। नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। आप मुझे मेरा किराया दे दें। ये लो पैसे, और लेडीज से बात करने की तमीज सीखो। कोई तरीका होता है बात करने का? तुम कौन हो, ये किराया क्यों दे रहे हो? जी वो हमाद साहब ने। हमाद साहब, और वो क्यों दे रहे हैं किराया? मैं आपको बताता हूँ। तुम क्या देख रहे हो, तुम जाओ बैठो गाड़ी में और जाओ यहाँ से। आप प्लीज आइए मेरे साथ। आइए मैडम, आइए। मैम क्या है हमारे साथ? एक्सक्यूज मी। सलाम। वेलकम सलाम। वो आपका शुक्रिया अदा करना था रिक्शे के किराए के लिए। धनी से कैसे ये लापरवाही हो गई? ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। फिर भी हर कोई तो ऐसे एतबार नहीं करता किसी अजनबी पर जिस तरह आपने किया। आप अजनबी नहीं? जी जी, मेरा मतलब कि वो मैंने अक्सर आपको देखा है, मतलब मेरे स्टाफ ने अक्सर आपको देखा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे रिक्शे वाले पर, अपने आप पर, कि से कैसे ऐसी लापरवाही होगी। सुनिए, कहा ना आपको, हो जाता है, कोई बात नहीं। ये आप रख लीजिए, मैं कल पैसे देके ये ले जाऊंगी। एरिन क्या कर रही हैं आप, मैं ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं, मैं कल पैसे ले आऊंगी ना, आप प्लीज रखिए इसे। तो आप पैसे दे दीजिएगा, ये करके आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं कल पैसे लेके आ जाऊंगी। जी बेहतर। आप आ गए, मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने कोई फोन ही नहीं उठाया। फिर सोचा कि आप फ्री होंगे तो मुझे खुद ही कॉल कर देंगे, अगर आपने कॉल ही नहीं की, ऐसा लगा कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाए, इसीलिए सुबह सुबह भाई के साथ। सच मुझे तो नाराज नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान का नंबर हमेशा ही बिजी हो? क्या हुआ अशर, कुछ परेशान हो क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। किसको फोन कर रहे हो? उसी ट्रक ड्राइवर को, सामान लेकर गया था, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। सामान का पता तो करना है ना, एक बार इस ट्रक ड्राइवर से बात हो जाए ना, फिर इस अयाज से मैं सही से बात करूंगा। छोड़ो अशर, ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे जाने दो,
बात तो करनी पड़ेगी ना, कोई मजाक थोड़ी है। क्या मुसीबत है यार? मुझे लगता है उस अयाज ने ना तुम्हें दोबारा से बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ बना दी? क्या मतलब? गलत नंबर दिया होगा उसने तुम्हें यकीनन। हाँ नहीं, अब इतना भी नहीं गिर सकता। तुम जानते नहीं हो उनकी हरकतों को। इतने ही अच्छे होते तो आज मैं इस हाल में यहां नहीं पड़ी हुई हूं। कैसे मनाऊं इन्हें? हालत ही मेरी तो नहीं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। पिएंगे आप? नहीं, मूड नहीं है। अपने लिए बना रही थी, सोची हूँ अशर भाई से भी पूछ लूँ। कमरे में है ना वो? नहीं अलीसे, वो रूम में नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में अम्मी के कमरे में होंगे, वहीं जाके दे देती हूँ। क्या हुआ भाभी? अशर भाई से लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद नाराज है। हो सकता है, आप बताए बगैर चली गई थी ना, शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगी हो। नहीं, मुझे तो फरीन बाजी ने कहा था कि चली जाओ, तो इसीलिए चली। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी। मैं क्या कह सकती हूँ, आपको पता है ना भाई के मिजाज का, आप खुद ही पूछ लीजिएगा उनसे। क्या हो गया भाई? जल्दी कर, वॉलेट निकाल, जल्दी कर, मोबाइल दे, वॉलेट दे, जल्दी कर, टाइम नहीं है इतना। निकाल रहा हूं, जल्दी कर, जल्दी कर, गोली जाया हो जाएगी, जल्दी कर। रुक रुक, चल जल्दी चल,